आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके थे। इस टेंस की पहचान क्या होती है वो देखिए, समय सूचक शब्दों के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं आदि आते हैं। समय सूचक शब्दों के साथ कैसे, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो 2 घंटे क्या है, समय सूचक शब्द है, और पीछे क्या रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमने रहा है, रही है, रहे कहां पढ़ा था, कंटिन्यूअस में भी पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, परंतु दोनों में अंतर है। इस टेंस में आपको समय सूचक शब्द दिया होता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में केवल आपका सेंटेंस रहा है, रही है, रहे से स्टार्ट होता है। देखिए इस टेंस का प्रयोग हम कब करते हैं, इस टेंस का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमको कोई कार्य ऐसा हो जो पास्ट में तो प्रारंभ हो गया हो, यानी पास्ट में प्रारंभ होता है तथा प्रेजेंट में भी जारी रहता है। कैसे मैं बताता हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो 2 घंटे से मतलब कार्य पास्ट में प्रारंभ हुआ, लेकिन वर्तमान में भी मैं उस कार्य को कर रहा हूं, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं। ऐसे ही मैं 2000 से गंगापुर सिटी में रह रहा हूं, तो मतलब पास्ट की बात है, लेकिन मैं वर्तमान में भी यहीं रह रहा हूं। अब बात करते हैं हम इस टेंस में 2 चीज, यानी कि 2 शब्दों का प्रयोग होता है, सिंस और फॉर। अब इसके प्रयोग हम कैसे देखेंगे, देखिए सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, कैसे वो देखिए, जैसे मान के चलिए हमारे सामने है एक शब्द मंडे, तो मंडे से पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस। ट्यूजडे हुआ तो ट्यूजडे से पहले क्या लगाएंगे, सिंस। तो मतलब जितने भी सप्ताह के नाम है निश्चित, उनसे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर कोई ईयर्स नेम है, ईयर्स नेम है, तो उसमें भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे सिंस 2000, सिंस 2020, सिंस 2021 आदि। मॉर्निंग, इवनिंग, इनसे पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब कितने बज रहे हैं इस समय, मान के चलिए 7 o'clock हो रहे हैं या 8 o'clock हो रहे हैं, तो हम लगाएंगे सिंस 8 o'clock, सिंस 7 o'clock। जैसे किसी ने कहा कि राम 7 बजे से पढ़ रहा है, तो इसमें आप क्या लगाओगे, सिंस 7 o'clock। अगर 8 बजे से पढ़ रहा है तो सिंस 8 o'clock। ऐसी प्रकार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और दिसंबर तक जो भी मंथ्स नेम होंगे उनसे पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब निश्चित समय से पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब समय हमारा अनिश्चित हो, मतलब पीरियड ऑफ टाइम हो, तो हम फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 दिन से कठिन मेहनत कर रहा हूं, तो ये अनिश्चित समय, क्योंकि आने वाले 2 या 3, 4, 5 दिन बाद अगर मैं इसी बात को बोलूंगा तो उन दिनों की संख्या बढ़ जाएगी 5 दिन। जबकि अगर मैं यहाँ कहता इससे कि मैं मंडे से कोई कार्य कर रहा हूं, तो वो मंडे मंडे ही रहेगा। ऐसे 3 months और 5 years, तो ये अनिश्चित समय है, तो इनसे पहले हम 4 का प्रयोग करते हैं। और निश्चित समय जैसे मंडे, यानी कि कोई भी आपके वीक्स नेम हो, ईयर्स नेम हो, मॉर्निंग, इवनिंग, और 4 o'clock, यानी कोई भी समय दिया हो निश्चित समय, और जनवरी फरवरी से पहले हम सिंस का प्रयोग करें। तो देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव में हम और टेंसों की तरह इस टेंस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी, दे हो तो हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और यदि सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट नेम हो तो हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अर्थात बी फोर का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर में से एक, प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल आपके सामने, राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। पहली बात आपको कैसे पता चलेगा ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो वो देखिए पहले इस टेंस में अंत में आपको क्या दिख रहा है, रहा है। दूसरी पहचान क्या है, समय सूचक शब्द 2 घंटे से, तो यदि समय सूचक शब्द प्लस रहा है, रही है, रहे आ जाए, तो इसका मतलब टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इस टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है आपका, राम। राम को हमने लिखा, राम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एचवी का, हैज बीन का, किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन। अब हमको ढूंढनी है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, वो है हमारी पढ़ना, और पढ़ने को अंग्रेजी में कहते हैं रीड, और रीड के साथ रीड की कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी या बिफोर, तो मतलब हो गई रीडिंग। इस किताब को, दिस बुक,
अब हमारे पास क्या है, दो घंटे से पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय, और अनिश्चित समय से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, फोर का, तो फोर टू आवर्स। लड़की सुबह से सो रही है, द गर्ल हैज बीन, तो द गर्ल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ किसका प्रयोग किया, हैज बीन का। सोने को अंग्रेजी में कहते हैं स्लिप, और स्लिप की फोर्थ फॉर्म हो गई आपकी स्लिपिंग। कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह 5 बजे से दौड़ रहा हूं, मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई, आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव बीन का, ध्यान दीजिए आई के साथ, यानी आई यू वी दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का, तो हैव बीन। दौड़ने को अंग्रेजी में कहते हैं रन, और रन की फोर्थ फॉर्म होती है रनिंग। रनिंग के बाद हमको देखना है कब, सुबह 5 बजे से, तो सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग, तो सेंटेंस क्या हो गया, आई हैव बीन रनिंग सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम इस स्कूल में 2 वर्षों से पढ़ रहे हैं, इस स्कूल में, तो हमको अंग्रेजी में कहते हैं वी, और पढ़ने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपको, स्टडी, तो सेंटेंस क्या बनेगा वो देखिए आपको, हम वी, वी के साथ क्या प्रयोग होता है, आई यू बी दे के साथ हैव बीन प्रयोग होगा, हैव बीन, तो आपने प्रयोग किया वी हैव बीन। अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है, पढ़ना, पढ़ने को स्टडी, और स्टडी की फोर्थ फॉर्म हो गई स्टडिंग। इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, कब से, 2 वर्षों से, तो अनिश्चित समय है ये भी। अगर ये होता कि मैं 2020 से, 2017 से, 2018 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूं, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय, परंतु यहां पर केवल क्या दिया गया है, 2 वर्षों से, तो अनिश्चित समय, तो अनिश्चित समय के लिए आपने किसका प्रयोग किया, 4 to 2 years। अब हम आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस अर्थात जिस सेंटेंसों में नहीं का भाव यानी नकारात्मकता का भाव, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं तथा फिर बीन का प्रयोग करते हैं। दोबारा सुनिए, हैज हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस आपके सामने क्या है, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है, तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले वह को हम लिखेंगे ही के बाद ई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज। अब आपको क्या बताया, हैज और हैव के बाद क्या लगाना है, नॉट, ध्यान देंगे, हैज और हैव के बाद नॉट लगाना है, तो ही हैज नॉट, फिर क्या लगाना है, बीन, ही हैज नॉट बीन। अब पढ़ने को कहते हैं रीड, और रीड की फोर्थ फॉर्म हो गई रीडिंग, तो सेंटेंस हो गया हमारा, ही हैज नॉट बीन रीडिंग, कब से, 2 दिन से, तो ये अनिश्चित समय है, तो 4 to 2 days। अब बात करते हैं, मैं सोमवार से कार्य नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना, तो मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई, और आई के साथ हम प्रयोग करेंगे हैव, और हैव के बाद हम प्रयोग करेंगे नॉट का, क्योंकि नॉट कहां लगाएंगे, हैज या हैव के बाद और बीन से पहले, तो सेंटेंस क्या हो गया, आई हैव नॉट बीन। करने को कहते हैं वर्क, और वर्क की फोर्थ फॉर्म हो गई वर्किंग, और कब से, सोमवार से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहां पे क्या आ गया, सिंस मंडे। अब हम बात करते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस की। इंटरगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि दो प्रकार के होते हैं, यानी कि हम प्रश्न दो तरीके से पूछते हैं, एक ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर हमें हाँ या नहीं यानी यस या नो में मिले, और एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हम किसी शब्द या एक सेंटेंस में लें। जैसे मैं आपको बताता हूं, क्या मैं सुबह से सो रहा हूं, तो इसका उत्तर होगा हाँ या नहीं में, हाँ मैं सुबह से सो रहा हूं, हाँ मैं सुबह से, सॉरी नहीं मैं सुबह से नहीं सो रहा हूं, या क्या वह सुबह से अपना काम कर रहा है, तो आंसर होगा आपका हाँ वह सुबह से अपना काम कर रहा है, या नहीं वह सुबह अपना काम नहीं कर रहा है। दूसरा टेंस, दूसरा जो वर्ड है आपका डब्ल्यू एच, मतलब कब, क्यों, कहां, कैसे, किसको, क्या, कैसे आदि शब्दों को इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने दिया दो, तुम 2 दिन से यहां क्या कर रहे हो, तो क्या मतलब, व्हाट। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा है, क्या वह 3 घंटे से, तो एच बी से स्टार्ट होगा, एच बी क्या है, हमारी हैज या हैव में से कोई एक। अब हमको देखना है सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, और वह के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैज, क्या आ जाएगा, हैज, हैज ही। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हमें बीन का प्रयोग करना है।
करना, करने को अंग्रेजी में कहते हैं डूइंग, सॉरी करने को अंग्रेजी में कहते हैं डू, और डू की फोर्थ फॉर्म होगी यहां पर डूइंग। अपना काम हिज वर्क, कब से? 3 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 3 आवर्स। तो सेंटेंस हो गया आपका हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क 4 3 आवर्स। सबसे पहले हमने किसका प्रयोग किया? एच बी हैज एव, उसमें के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्क की फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस 4 प्लस टाइम। अब सेकंड सेंटेंस है, क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं? क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं? तो वे के अकॉर्डिंग क्या आ गया? हैव, तो दे, सॉरी हैव दे, इसके बाद लगाना सब्जेक्ट के बाद आपको वीन, तो हैव दे वीन। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो गई? हेल्प की, हेल्पिंग, तो हैव दे वीन हेल्पिंग मी, मेरी, कब से? कई सालों से, तो अनिश्चित समय हो गया, तो फॉर मेनी इयर्स। तो सेंटेंस दोबारा बोलते हैं, हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी इयर्स। तुम 2 दिन से यहां क्या कर रहे हो? अब देखिए सेंटेंस में हमने देखा है क्या बीच में आया है, मतलब व्हाट से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन, तो क्या को हम लेके आए? सबसे पहले WH वर्ड लगाया व्हाट, व्हाट के बाद हमें क्या लगाना है? हैज या हैव में से एक, तो हमने देखा कि तुम के अकॉर्डिंग क्या गया? हैव, तुम, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं यू, और यू के अकॉर्डिंग क्या हो गया? हैव। तो व्हाट हैव यू बीन, करने को कहते हैं डूइंग, कहां पर? यहां। तो व्हाट हैव यू डूइंग, सॉरी व्हाट हैव यू बीन डूइंग हेयर 2 दिन से, 4 2 डेज। सोमवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे थे, सॉरी पढ़ा रहे हैं। तो देखिए सोमवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे थे, कौन सी पुस्तक, तो कौन सी पुस्तक मतलब विच, हाउ मैनी और हाउ मच, इनके साथ नाउन का प्रयोग होता है हमेशा। तो यहां पर क्या होगा? विच के साथ क्या आएगा? बुक, विच बुक मतलब कौन सी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, टीचर के अकॉर्डिंग आ गया हैज और द टीचर, तो सेंटेंस हो गया विच बुक हैज द टीचर। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? वही बीन, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ाना, और पढ़ाने को कहते हैं टीच, और टीच की फोर्थ फॉर्म हो गई टीचिंग, और कब से? सोमवार से, तो सिंस मंडे। तो देखिए इस टेंस के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि समय सूचक शब्दों के साथ हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्या मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, अर्थात इस टेंस में कोई भी जो कार्य होता है वो पास्ट में स्टार्ट हो जाता है और वो वर्तमान में भी जारी रहता है। इस टेंस में ही शी इट नेम के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है, और आई यू वी दे के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है।